नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर में, हूं आपके साथ शिवानी पांडे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को देखते हुए और उसके साथ ही साथ जनता के हित में कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया गया है। इससे कानून व्यवस्था में किस तरह सुधार होगा, क्या क्या बदलाव होंगे, आप भी देखिए समर्थ श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। यूपी के पुलिस सिस्टम को लेकर योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लेते हुए पहली बार लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर दिया है। योगी कैबिनेट ने नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दिल्ली मुंबई की तरह अब लखनऊ और नोएडा में भी पुलिस कमिश्नर होंगे। लखनऊ को दो अलग अलग भागों में बांटा जाएगा। लखनऊ में सुजीत पांडे की कमिश्नर पद पर तैनाती की गई है, तो वहीं आलोक सिंह नोएडा के पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। उधर नोएडा और लखनऊ में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम में पुलिस के अधिकार को लेकर बहस शुरू हो गई है। लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर के पद पर एडीजी स्तर के ऑफिसर की तैनाती पर मुहर लगा दी गई है। योगी कैबिनेट ने लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। एडीजी लेवल के ऑफिसर कमिश्नर होंगे, इनके साथ दो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आईजी रैंक के अधिकारी होंगे। एसपी रैंक के करीब 9 ऑफिसर तैनात किए जाएंगे। कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 40 थाने होंगे। एडीजी रैंक का कमिश्नर होगा। महिला सुरक्षा के लिए एसपी रैंक की महिला अधिकारी को तैनाती दी जा रही है। यातायात के लिए भी विशेष तैनाती होगी। निर्भया फंड से सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। बता दें कि 15 राज्यों के 71 शहरों में कमिश्नरी प्रणाली पहले से लागू है। यूपी में योगी के सत्ता को संभालने के बाद इस सिस्टम के लिए कवायद शुरू तो हो गई थी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के दबाव में बात अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। पुलिसिंग को आगे बढ़ा सके और यह प्रणाली लागू करने के साथ उन्हें 15 ऐसे अधिकार भी उन्हें दिए जा रहे हैं जिनका विस्तृत ब्यौरा हम आपको यहां पर उपलब्ध करा देंगे। ये उनको ये पावर डेलीगेट होंगे, उसके बाद वे इस बात के लिए अधिकृत होंगे कि कौन से अधिकारी को उनके अधीन करने वाले कौन से अधिकारी को कौन से पावर उनको डेलीगेट करने हैं। पुलिस आयुक्त तो स्वयं ही वहां पर तय करेंगे। ये कार्य मुख्य रूप से आज का ये पुलिस सुधार और पुलिस उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस व्यवस्था के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक ये दिन है। ये अत्यंत हर्ष और संतोष का विषय है कि पुलिस आयुक्त प्रणाली आज इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश में हुआ है, जनपद लखनऊ और जनपद गौतम बुद्ध नगर में। ये किसी क्रांति से कम नहीं है और पूरा प्रदेश, जनता और पुलिस विभाग आदरणीय योगी जी की बहुत आभारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का निर्णय प्रदेश की आर्थिक राजधानी नोएडा और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिया है, इसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। पूरी जनमानस इसकी प्रशंसा कर रहा है। इससे पुलिस विभाग में भी एक बहुत उत्साह है। स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 1861 के पुलिस एक्ट के दायरे से बाहर निकलकर एक पुलिसिंग में बदलाव के लिए ये कदम उठाया है योगी जी ने, जो कि एक साहसिक कदम है। तो उत्तर प्रदेश में कमिश्नरी सिस्टम लागू करके योगी सरकार ने इतिहास रच दिया है। इससे ये उम्मीद की जा रही है कि जो कानून व्यवस्था है वो और दुरुस्त होगी और अपराध कम से कम होंगे। इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।